हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। अगर आपने पहले कभी भी किसी बैंक और एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया होगा तो उसका ईएमआई के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता होगा। आप महीने भर काम करते हैं, उसके बाद जाके कहीं अपनी कमाई का एक हिस्सा ईएमआई पे करने के लिए आप रखते थे और उसको ईएमआई पे करते थे। पर अब ऐसा देखा गया है कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी एजेंट आपका ईएमआई पे कर रहे हैं। आखिरकार बैंक और एनबीएफसी कंपनी का क्या मकसद है? आखिर वो आपके हिस्से का ईएमआई क्यों पे कर रहा है? अगर आप भी इसका शिकार बन रहे हो तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। अगर आप अपनी ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे हो, उसके बावजूद भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके ईएमआई को पे कर रहा है, तो अभी ही सावधान हो जाइए, ताकि भविष्य में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो बैंक और एनबीएफसी कंपनी अगर आपका ईएमआई पे कर रहा है तो आपके साथ होने वाली है। आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि बैंक एनबीएफसी कंपनी आपका ईएमआई क्यों पे कर रहा है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आपको ईएमआई पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आपको सिर्फ हाय लिख के मैसेज कर देना है, वहां से आपको रिप्लाई आ जाएगा, आप कैसे हमसे बात कर पाओगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम लोग बैंक और एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो हर महीने की आखिरी तारीख या उसी महीने के पहले तारीख को हमें ईएमआई के रूप में देना पड़ता है। अगर कुछ कंपनियों के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1-2 तारीख को ईएमआई लगता है, किसी किसी का 10 तारीख को लगता है, पर 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में सभी कंपनियों की ईएमआई डिडक्शन हो जाती है। तो लोग हर महीने की आखिरी तारीख को ईएमआई का व्यवस्था कर लेते हैं, पर बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि हम अपने ईएमआई को नहीं पे कर सकते। हमारी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती कि हम अपने ईएमआई को पे करें। ऐसी स्थिति में हम लोग अपने ईएमआई को पे नहीं करते। तो अब एक नया चीज देखने को आया है कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी का जो रिकवरी एजेंट है वो अपने साइड से आपके ईएमआई को पे कर देते हैं और उसके बाद पूरे महीने आपको फोन करके परेशान करते हैं कि हमने आपका ईएमआई भर दिया, अब आप हमको पैसे दो। तो उनको साफ बोलिए कि जब ईएमआई पे ही कर रहा था तो हमारा पूरा लोन भर दो, हमारे इसी महीने की ईएमआई पे करने की क्या जरूरत थी। उसके बाद रिकवरी एजेंट आपको डराने लगेंगे, आपके साथ बदतमीजी करेंगे, आपके घर पे दिन भर बैठेंगे कि हमने आपका ईएमआई पे किया है, आप हमको पैसे दो। और बैंक में भी जाओगे तो आपको बोलेंगे तो अच्छा ही है ना, आपका ईएमआई पे कर दिए। पर ये पूरी तरह से इनलीगल चीज है। देखिए रिकवरी एजेंट क्यों करते हैं, रिकवरी एजेंट को एक टारगेट दिया गया रहता है कि अगर आप 98% रिकवर करके नहीं लाए तो आपका सैलरी नहीं मिलेगा, आपका कमीशन नहीं मिलेगा, आपका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इसी इंसेंटिव को पूरा करने के लिए जो वो ईएमआई नहीं पे हो रहे होते हैं, ये उनका जान के ईएमआई पे करवा देते हैं और पूरे महीने उनको परेशान करते हैं। अब कस्टमर के पास यहाँ पे पैसे नहीं है और यहाँ रिकवरी एजेंट उनके ईएमआई को पे कर रखा है। अब कस्टमर ऐसी दुविधा में फंस गया है कि अब वो करे तो करे क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर बैंक को ईएमआई नहीं देता तो मान लीजिए बैंक का लोन आज न कल एनपी हो जाता, फिर भविष्य में उसको सेटलमेंट करवा लेता। पर जब बैंक वाले ने ईएमआई पे कर दिया है तो वो तो हर महीने कर रहा है, फिर आपके पास आता है और पैसे मांग कर ले जाता है। इस तरह तो आप परेशान हो जा रहे हो। बैंक को पैसा नहीं दोगे तो एनपीए होगा, एनपीए के बाद लोन सेटलमेंट होगा। पर रिकवरी एजेंट के साथ तो ऐसा नहीं है। रिकवरी एजेंट तो आपको डराएगा धमकाएगा। अगर आपके साथ भी आपके क्षेत्र में कोई भी रिकवरी एजेंट इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो सबसे पहले उस रिकवरी एजेंट का आईडी नोट कीजिए, वो किस बैंक में काम कर रहे हैं, वहां पे जाइए, उस बैंक को पूछिए कि आपके बैंक का जो रिकवरी डिपार्टमेंट है वो कौन से एजेंसी हैंडल करता है, और उसके बाद उसी बैंक के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके देखिए। आप किसी भी पोर्टल पे जाइएगा तो वहां पे कैरियर का ऑप्शन होता है, कैरियर के ऑप्शन पे उसके नाम के साथ वहां पे एक आईडी लगा दीजिएगा जो उन्होंने दिया है और सबमिट कर दीजिएगा कि ये इंसान अपने फायदा के लिए, अपने इंसेंटिव के लिए गलत ढंग से रिकवरी करता है, हमारे ईएमआई को जबरन पे कर रहा है। तो आप लोगों को लगेगा कि ईएमआई पे ही कर रहा है, इसमें गलत क्या है। तो कोई भी रिकवरी एजेंट आपके एवज में अगर ईएमआई पे भी कर रहा है तो ये पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में आता है, उस रिकवरी एजेंट का जॉब चला जाता है। इस तरह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है,
अगर आप ईएमआई नहीं पे कर सकते तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती है। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि वो एनपीए के नाम से लड़ जाते हैं। एनपीए कुछ भी नहीं होता, एनपीए का स्टेटस है। अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए में चला गया तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। आपका लोन अकाउंट एनपीए में चला गया तो एनपीए के बाद यहाँ पर प्रोसीजिंग शुरू हो जाता है कि अब इस लोन को कैसे रिकवर किया जाए, क्या इस लोन को सेटल किया जाए, या इस लोन को राइट ऑफ किया जाए, या इस लोन को फिर से मेन रोल में स्टैंडर्ड के कंडीशन में लाया जाए। ये सब कुछ होता है। अगर आपने चेक दे रखा है तो यहाँ पे लीगल एक्शन की प्रक्रिया होती है, और कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बाद लोन को अंतिम में उस पोजीशन पे लाया जा सकता है जहां पे लोन को खत्म किया जाए। पर रिकवरी एजेंट के गलती से अगर रिकवरी एजेंट आपका पैसा भर रहा है विदाउट स्लिप भर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोन जिंदगी भर चलता रहेगा। आपके ऊपर बैंक का तो कर्जा है ही और रिकवरी एजेंट का भी कर्जा हो जाएगा। और बहुत बार ये रिकवरी एजेंट क्या करते हैं कि जो आपसे पैसे लेते हैं उसको भी जमा नहीं कराते। तो हमेशा एक बार ध्यान रखिए कि कभी भी रिकवरी एजेंट के हाथ में पैसा देने से अच्छा है कि फोन पे गूगल पे पे लोन का ऑप्शन होता है वहां जाके पेमेंट करें, नहीं तो अपने लोन आईडी से उसी बैंक में जाके पेमेंट करें। अगर पैसा नहीं है आपके पास, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट बोल रहा है कि हम आपका पेमेंट कर दे रहे हैं, तो बोले पूरे पेमेंट कर दो और हम आपको एक रुपया नहीं देंगे। अगर फिर भी उसके बाद भी बैंक आपको परेशान करे तो बैंकिंग लोकपाल में जाके शिकायत करो, इन कुत्तों की एकदम शामत आ जाएगी। वो कभी आपके तरफ घर की तरफ देखना तो छोड़ो, अपना लोन मांगने तक नहीं आएंगे। अगर इसी तरह से कोई भी बैंकिंग रिलेटेड समस्या आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, स्क्रीन पे एक नंबर है, आप संपर्क कीजिए, आपको पूरा समाधान बताया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।